एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि भाजपा ने विद्यार्थी वर्ग को ठगने का काम किया है, इसलिए एनएसयूआई भाजपा को हराने और कांग्रेस को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अमरपाटन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सतना चौराहे पर एनएसयूआई नेता कौशलेंद्र सिंह और सुमित गुप्ता के नेतृत्व में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे का स्वागत किया। आशुतोष चौकसे ने भारतीय जनता पार्टी पर छात्र छात्राओं को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार घोटाले की सरकार है, विधानसभा चुनाव में युवा एकजुट होकर भाजपा को नकारेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने एबीवीपी छात्र संगठन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब एबीवीपी छात्र संगठन नहीं रह गया है। छात्रों के हित के लिए आज तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुछ नहीं किया। मेरा मानना है, हमारे सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हम कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद जो है वो सरकार की कठपुतली बनकर काम करती है। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी छात्र का उन्होंने कोई जनहितैषी मुद्दा जो है सरकार के खिलाफ उठाया हो, वह सिर्फ चंदाखोरी और वसूली में जो है माहिर है। विद्यार्थी परिषद एनएसयूआई के आगे कुछ भी नहीं है। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।